प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लाम अल्लाह का अता करदा वो दिन है जिसमें अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका बताया है कि अगर आपको किसी के दरवाज़े पर जाना हो तो आपको कितनी बार दरवाज़ा खटखटाना है, बाज़ार में चलना हो तो आपको कैसे चलना है, बैतुल खुला में जाना हो तो आपको कैसे जाना है, खाना खाते वक्त आपको किस तरह से बैठना है और पानी किस तरह से पीना है। मतलब ज़िंदगी का ऐसा कोई भी पहलू नहीं कि जिसके बारे में इस्लाम हमें रहनुमाई ना करता हो। यही वजह है कि इस्लाम को मुकम्मल दीन भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में उल्टा सोने से क्यों मना किया गया है, उल्टा लेटने से इंसान के कौन कौन से नुकसान होते हैं और उल्टा सोने वाली औरतों के साथ रात में शैतान क्या करता है, ऐसी औरतों के कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है और इस हवाले से आज का साइंस क्या कहता है, इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही आपको सोने का सही तरीका भी बताने वाले हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जब से मुसलमानों ने अल्लाह के दिए हुए दीन को छोड़ा है तब से वो बीमारियों और परेशानियों का शिकार हो गए हैं। मालदार होकर भी लोगों के जिंदगियों से सुकून ख़त्म हो चुका है। आज साइंस पूरी दुनिया को ये बता रही है कि 1400 साल पहले कुरान और हदीस में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका बताया गया है उनमें बड़ी हिकमतें हैं। आज इस हकीकत को दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों और साइंस भी मान चुके हैं। याद रहे, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को उल्टा सोने से मना फरमा दिया था। इस बात को लेकर फिर जब साइंसदानों ने इस बात पर तहकीक की तो उन्हें भी ये मानना पड़ा कि अल्लाह के नबी सच्चे रसूल हैं, उन्होंने जो भी फरमाया है वो हक फरमाया है। दोस्तों, जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी ने ज़िंदगी जीने के बाकी उसूल बताए हैं वहीं पर आपने सोने का सही तरीका भी बताया है। लेकिन आज कल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग थक हार कर जब बिस्तर पर पहुँचते हैं तो वो किसी भी तरह से बिस्तर में गिर जाते हैं और फिर नींद की आगोश में चले जाते हैं। याद रहे, हर किसी के सोने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग सिमट कर सोते हैं तो कुछ लोग ज़्यादा जगह लेकर सोते हैं, कुछ लोग सीधे सोते हैं तो कुछ लोग औंधे मुंह सोते हैं यानी कि उल्टा सोते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द हो। माहिरीन का कहना है कि ऐसे लोग जो पेट के बल सोते हैं यानी कि उल्टा सोते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी सही तरीके से काम नहीं करती है और पेट के बल सोने से जिस्म में कई तरह की कमजोरियां पैदा होने का खतरा भी बना रहता है और ऐसे लोग थोड़ा बहुत भी काम कर देते हैं तो उनके बदन में खिंचाव पैदा हो जाता है और ऐसे लोग जल्दी थकावट भी महसूस करने लग जाते हैं। एक अमरीकी तहकीक ने ये साफ किया है कि जो लोग पेट के बल सोते हैं उनके फेफड़ों को ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता है क्योंकि उल्टा लेटने से फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इसीलिए फिर ऐसे लोगों को फिर 40 की उम्र में ही सांस का मसला होने लगता है। इसके अलावा पेट के बल सोने वालों को मैदे और दिल की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सोने के आदाब बताए हैं और हमें सोने का सही तरीका बतलाया है, मगर हम उन्हें छोड़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से आज हम परेशान हो रहे हैं। याद रहे कि नींद इंसानी सेहत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नींद जिस्मानी और जहनी सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत अहमियत रखती है। नींद की वजह से इंसान की थकान दूर होती है, मगर याद रहे, इंसान की नींद पूरी तभी होगी जब इंसान सही तरीके से सोएगा। पेट के बल सोना यानी कि उल्टा सोना सोने का सही तरीका हरगिज नहीं हो सकता। याद रहे, ये तरीका बहुत गलत है। इसकी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी ने
1400 साल पहले हमें उल्टा लेटने से मना फरमा दिया है। दोस्तों, हम आपको सोने का सही तरीका भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको उल्टा लेटने के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बता देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल लेटे हुए देखा, तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, इस तरह लेटने को अल्लाह पाक ने पसंद नहीं फरमाया है। हदीस पाक में बताया गया है कि उल्टा लेटना अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा अमल है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे पेट के बल लेटा हुआ पाया, तो आपने मुझे पाँव से हिलाकर फरमाया कि सोने का ये सही तरीका नहीं है, सोने का ये तरीका दोजखियों का तरीका है। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी का गुजर एक उल्टे सोने वाले शख्स के पास से हुआ, तो आपने अपने पाँव से हिलाकर फरमाया कि उठो, सोने का ये तरीका जहन्नमियों का है। इसके अलावा औरतों के हवाले से भी ये कहा जाता है कि जो औरत रात को पेट के बल सोती है, यानी कि उल्टा सोती है, तो ऐसी औरतों पर जिन्नात बहुत ही जल्द आशिक हो जाते हैं, यानी कि 90% उल्टी सोने वाली औरतें ही जिन्नातों की शिकार होती है, जिसकी वजह से फिर औरतें ख्वाब में खुद के साथ जिना होते हुए देखती है। कभी वो बाप, कभी वो भाई, तो कभी वो बेटों की शक्ल में, तो कभी किसी गैर की शक्ल में खुद के साथ में जिना होते हुए देखती है। इसका मतलब ये है कि पेट के बल सोने वाली औरतों के साथ जिन्नात आशिक हो जाते हैं, इसके साथ में वो औरतों के साथ सोते भी हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों से हमें ये मालूम होता है कि पेट के बल सोना सही नहीं है, उल्टा लेटना अल्लाह को नापसंद है। इसीलिए हम सबको उल्टा सोने से ज़रूर बचना चाहिए। याद रखे, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस कायनात को बनाया, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला को बखूबी मालूम है कि एक इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम कोई नया मोबाइल ख़रीदने जाते हैं या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर हम ख़रीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन का कार्ड होता है कि उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, उसका बचाव कैसे करना है, किन चीज़ों के साथ उसको रखना है और किन चीज़ों से उसको बचाना है। तो ये सारी चीज़ें उस इंस्ट्रक्शन मेनू में लिखी हुई होती है। तो ये इसलिए लिखी होती है क्योंकि वो बनाने वाले को पता है कि उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो कब तक अच्छी रह सकती है और उसको किस तरह से अच्छा रखा जा सकता है। तो यही एक मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए। तो याद रखे, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इस कायनात को बनाया है, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला को बखूबी मालूम है कि एक इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यही वजह है कि दीन इस्लाम का हर हुक्म इंसान के भलाई के लिए है, और जिस काम से इस्लाम ने इंसान को रोका है उसमें इंसान का नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें इस्लाम ने रोका है, इसी में हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। तो आइए दोस्तों, हम आपको सोने का सही और सुन्नत तरीका बताते हैं। अगर आप इन सुन्नत पर अमल करते हुए सो जाओगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई भी शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको जिस्मानी फ़ायदों के साथ साथ रूहानी फ़ायदे भी ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर एक, ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाना बेहतर है। नंबर दो, जब भी बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो उस बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को 3 बार झाड़ लो, यानी झटक लो, साफ कर लो। नंबर तीन, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने घर के दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो दरवाज़ा बंद किया जाता है शैतान उसको कभी नहीं खोल पाता है। नंबर चार, सोने से पहले वजू कर लो, क्योंकि जो शख्स रात को वजू करके सोता है और उसका उसी रात में इंतकाल हो जाता है तो उसको शहीद होने का दर्जा मिलता है। नंबर पाँच, सोने से पहले कपड़ों का बदलना भी सुन्नत है। नंबर छः, अगर कुछ खाने पीने का सामान आपके पास रखा हुआ है तो आप उसको सोने से पहले ढक दे। नंबर सात, अगर आप लड़का है 10 साल की उम्र का हो कट। नंबर सात, अगर आपका लड़का है 10 साल की उम्र का वो हो जाए तो उसे माँ और बहन के साथ ना सुलाया जाए। नंबर आठ, फजर के वक्त जागने की नियत करके सोए। नंबर नौ,
सोते वक्त दाहिनी यानी कि राइट साइड करवट लेकर और किबला की तरफ अपना मुंह करके सोए। नंबर 10, तीनों कुल सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास पढ़कर अपने पूरे बदन पर फूंक मार लें, यानी कि जहां तक भी आपके हाथ जाए आप अपने बदन पर फेर लें। नंबर 11, पेट के बल सोना मतलब के इस तरह के सीना जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना ये मना है। नंबर 12, जब भी आप सोकर उठे तो 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़े। नंबर 13, अच्छी और पुरसुकून नींद के लिए दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सोया जाए। नंबर 14, जो शख्स रात को सोते वक्त पूरी 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके हर सांस के बदले एक नेकी लिख दो। नंबर 15, सोने से पहले सबको माफ़ करके सोए और अल्लाह से तौबा करके सोए और अपनी भी माफ़ी अल्लाह से मांग कर सोना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो समझ आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए और उन लोगों को भी सोने का सही तरीका पता चल सके। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।